नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सक्सेना और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर सीरीज केमिकल के बारे में। और इस वीडियो की खासियत यह है कि हम इस पूरी वीडियो में आर सीरीज केमिकल को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं R1 से। R1 जो है वो R सीरीज का पहला केमिकल है और ये एक प्रकार का बाथरूम क्लीनर है। ये बाथरूम को क्लीन करता है और बाथरूम को सैनिटाइज करता है। आप इसमें बाथरूम में ओवरऑल हर तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं, ग्लास और WC को छोड़ के। WC के अंदर के लिए अलग केमिकल आता है, उसको छोड़ के आप मैक्सिमम हर तरीके की क्लीनिंग बाथरूम में R1 से कर सकते हैं। R1 का जो डाइल्यूशन होता है वो 20:40 ml होता है 1 लीटर पानी में। तो जो भी मैं केमिकल आपको बता रहा हूं उनका डाइल्यूशन भी साथ में आपको बताता जा रहा हूं। तो आप R1 को किसी भी तरीके के फिक्चर्स से साफ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का फ्लोर साफ कर सकते हैं, वैनिटी काउंटर साफ कर सकते हैं, वॉल साफ कर सकते हैं, टाइल साफ कर सकते हैं। एक बेसिक क्लीनिंग के लिए जहां पे भी आपको सैनिटाइजेशन करना है, जहां पे भी आपको बेसिक क्लीनिंग करनी है, वहां पे आप R1 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है R2। R2 जो है वो सेकंड केमिकल आता है आर सीरीज में और ये एक मल्टीटास्किंग मल्टीपर्पज केमिकल है, जिससे कि आप ओवरऑल किसी भी तरीके की क्लीनिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर। लाइक आप कॉरिडोर में कर सकते हैं, पब्लिक एरिया में कर सकते हैं, आप बाथरूम के अंदर कर सकते हैं, आप रूम के अंदर कर सकते हैं, आप सीलिंग पे कर सकते हैं, आप फैंस को साफ कर सकते हैं, एसी को साफ कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ऑल पर्पज, मतलब एक स्पेसिफिक केमिकल नहीं है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है बहुत ही बैलेंस होता है और आप इसको किसी भी तरीके की क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पे भी मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि आप यहां पे ग्लास और वुड में इसको इस्तेमाल ना करें। तीसरा केमिकल आता है R3। R3 जो है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का केमिकल है जो ग्लास क्लीनिंग के लिए बनाया गया है। और इससे दोस्तों हम लोग जो है ग्लासेस क्लीन करते हैं और ग्लास क्लीन करने के लिए इसका हम डाइल्यूशन करते हैं, 20 ml से 1 लीटर पानी में मिलाते हैं और स्प्रे गन से इसको हम ग्लासेस पे स्प्रे करते हैं एंड देन हम स्क्यूजी से उसको साफ करते हैं, आपके ग्लास चकाचक चमक जाएंगे। इसके बाद आता है R4। R4 जो एक फर्नीचर क्लीनर बोला जाता है, फर्नीचर पॉलिशर बोला जाता है बेसिकली। इससे हम फर्नीचर को पॉलिश करते हैं, जब हम इसके सरफेस को पॉलिश करते हैं तो उसके अंदर ग्लॉस आता है, उसके अंदर चमक आती है, उसकी क्लीनिंग हो जाती है, उसके सरफेस के ऊपर से जो डस्ट होती है या जो ऊपर एक लेयर जम जाती है मिट्टी की, किसी भी तरीके की किसी गंदगी की, उसको वो हटाता है और उसके ऊपर शानदार पॉलिश करता है। इसको आप कॉटन क्लॉथ से या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कर सकते हैं और इसे आप बफिंग पैड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं R5 पे। R5 जो है वो एक रूम फ्रेशनर है और ये आपकी रूम में खुशबू, जैसे रूम फ्रेशनर कहीं पे भी रूम में स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, आप जब रूम रेडी करते हैं, जब किसी पब्लिक एरिया को रेडी करते हैं, किसी वॉशरूम को रेडी करते हैं, किसी कॉरिडोर को रेडी करते हैं, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं R6 पे। R6 जो है, R5 में आपको बताना चाहूंगा कि ये रेडी टू यूज केमिकल है, R6 की बात करते हैं। R6 जो है वो एक टॉयलेट बॉल क्लीनर है, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में आप जैसे कि कह सकते हैं कि हार्पिक हो गया या किसी और तरीके के केमिकल होते हैं जो ब्लू इन कलर होते हैं, वो इस तरीके का केमिकल है। R सीरीज में R6 का जो काम है वो टॉयलेट बॉल को अंदर से क्लीन करना है। ये रेडी टू यूज आता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं R7 की। R7 जो है वो एक हैवी ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल है, जिस भी सरफेस पे लाइक किचन, लाइक यू नो कहीं पे भी ऑयल गिर गया है, केक के स्टेन है, कहीं पे भी कॉरिडोर के अंदर ऑयल गिर गया है, कहीं पे भी ऐसा पब्लिक एरिया जहां पर बहुत सारी मैरिजेस पार्टी होती है, जहां पे खाना बनता है, उस जगह पर जहां पे भी ऑयल एक्यूमुलेट हो जाता है, ग्रीस एक्यूमुलेट हो जाती है, वहां पर आप इस केमिकल को यूज कर सकते हैं। और इसका रेशियो भी जो है वो 40 ml से 100 ml तक होता है। अगर बहुत ज्यादा फ्लोर हैवी डर्टी या ग्रीसी है तो आप इसको 180 ml यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट मिलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं R8 की। R8 जो है वो एक तरीके का डी स्केलर है, ये एक एसिडिक केमिकल है। आप इससे कैटल पे ऐसे हैवी स्टेन निकाल सकते हैं जहां पे आपको एसिड का यूज करना है। लाइक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, कैटल के अंदर चाय के निशान। R8 भी जो एक ऐसा केमिकल है जिसको आप डाइल्यूट नहीं करते, रेडी टू यूज केमिकल। इसके बाद हम लोग दोस्तों इसके बात करते हैं R9 की। R9 एक ऐसा केमिकल है जो कि बाथरूम हैवी ड्यूटी क्लीनर है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका यूज कहां पर होता है। इसका यूज होता है ऐसी जगहों पर जहां पर हार्ड वाटर स्टेन होते हैं, जहां पर मिनरल्स का एक्युमुलेशन होता है, जहां पर बहुत सफेद सफेद मार्क्स आ जाते हैं, आप उसको वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे बाथरूम हो, चाहे पब्लिक एरिया हो, चाहे किचन हो, चाहे आपके कोटियार्ड्स हो, या कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पे हैवी वाटर स्टेन्स है, टाइल्स के ऊपर, क्रेवाइसिस के ऊपर, कॉर्नर्स के अंदर, वहां पे आप R9 को यूज कर सकते हैं। R9 का भी जो डाइल्यूशन है वो 20 ml से लेकर के 50 ml तक, 60 ml तक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर हैवीनेस ऑफ यू नो सॉइल डेली। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आपको शॉर्ट में समझ में आया होगा कि किस केमिकल को कहां पर यूज करना है, उसका डाइल्यूशन क्या है, उसको किस प्रकार से यूज करना है।
लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैसेज बॉक्स में जाकर के एक बार एक थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई डिस्कशन करना है, तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर के मैसेज डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपका रिप्लाई करने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।